हम अपने नाजरीन के लिए एक मरतबा फिर प्रोग्राम जेरो जबर रवियो लेवल स्पेशल लेकर हाजिर हैं, और आज हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम का दूसरा एपिसोड है। देखते हैं प्रोएक्टिव स्कूल के लिए पहला सवाल क्या है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम के किस बेटे की औलाद में से हैं? ऑप्शन ए हजरत इसहाक अलैहि सलाम, ऑप्शन बी हजरत इस्माइल अलैहि सलाम, ऑप्शन सी हजरत याकूब अलैहि सलाम। जी सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हजरत इस्माइल अलैहि सलाम। 100 पॉइंट्स प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के लिए। बारी है मदरसतुल मदीना से सवाल करने की। देखते हैं मदरसतुल मदीना वालों के लिए सवाल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाजा किसे फरमाया? ऑप्शन ए हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन सी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु। सही ऑप्शन था ऑप्शन बी हजरत अली उल मुर्तजा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को आपने इल्म का दरवाजा फरमाया। 20 पॉइंट्स मदरसतुल मदीना वालों के लिए। इस राउंड में हम आपको कुछ मेहमानों की तस्वीरें स्क्रॉल करती हुई दिखाएंगे। आप जैसे ही मदीना कहेंगे हम तस्वीरों को स्टॉप करेंगे। जिस मेहमान पर स्टॉप हुआ वही मेहमान आपसे सवाल करेंगे। कराची मशावरत के निगरान हाजी अमीन अत्तारी आप लोगों से सवाल करेंगे। जनाब दिखाइए सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सने हिजरी में मक्का मुकर्रमा फतह फरमाया? 13वीं हिजरी। गलती हो गई है जनाब, सही जवाब है 8 हिजरी। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कमाल कर दिया जनाब, 60 पॉइंट्स का इजाफा किया है एक्सीलेंस ने अपने स्कोर में। हजरत सुहेब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हो को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने घर अता फरमाए? बजर बजाई है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने। दो। जी दो। आपने कहा दो, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल है इस राउंड का। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा जब ज़ौजाए रसूल बनी तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 24 साल। आपने कहा 24 साल, बड़ी गलती की है आपने। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे क्योंकि सही जवाब है 40 इयर्स। उस वक्त आपकी उम्र 40 साल की थी। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे और 10 पॉइंट्स आप दोनों को मिलेंगे जनाब। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया। प्रोएक्टिव स्कूल टोटल स्कोर हुआ 190 पॉइंट्स। एक्सीलेंस मॉडल स्कूल टोटल स्कोर रह गया 60 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना वालों ने 50 पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो गया 300 पॉइंट्स। इस तरीके से फैसला हुआ। एक्सीलेंस मॉडल स्कूल अब हमारे साथ अगले राउंड का हिस्सा नहीं होगी। वाकिया असहाबी फील के कितने दिनों के बाद हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी? 55 दिनों। मदरसतुल मदीना 55 दिनों के बाद। राइट आंसर। रोजाना सुबह कितने हजार फरिश्ते हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अनवर पर हाजिरी देते हैं? प्रोएक्टिव 70,000। राइट आंसर। इसी के साथ हमारा वक्त कंप्लीट हो गया। मदरसतुल मदीना वैसे ही पिछले राउंड में भी नंबरों से आगे थी और इस राउंड में भी बड़े ही जबरदस्त जवाब दिए हैं। 90 पॉइंट्स हासिल किए हैं इस राउंड में, 9 सही जवाब दिए हैं और इनका टोटल स्कोर हो गया 385 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। मदरसतुल मदीना वालों को बहुत बहुत मुबारक हो।